आपका? मैं श्री गोविंद। हाँ आगे। संभाग प्रभारी कानपुर आजाद समाज पार्टी। श्री गोविंद जी, क्या है मुझे क्या आप लोग मुख्यालय यहाँ ज्ञापन दिया? आज पूरे देश में जो सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है और निजीकरण करके शिक्षित युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है निजीकरण के माध्यम से। तो हमारी मांगे हैं राष्ट्रपति माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, उनके नाम ज्ञापन संबोधित है कि सरकारी निजी क्षेत्रों में आरक्षण को बंद किया जाए। अन्य जो निजी क्षेत्र हो चुके हैं उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। किसानों के जो विरोधी बिलों हैं जो 3 पास किए इन्होंने, तो उन बिलों को रद्द किया जाए। किसानों को MSP लागू किया जाए जिसमें उनका न्यूनतम मूल्य है उनकी फसलों का वो दिया जाए। और जो बेरोजगार युवा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। और जो कानून व्यवस्था प्रदेश में बिगड़ रही है उसको दुरुस्त किया जाए। ये हमारी मांगे लेकर के महामहिम राष्ट्रपति जी को आज ज्ञापन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से दिया गया है। सर, आज किन लोगों ने ज्ञापन दिया है और क्या वजह थी जिसको लेकर ज्ञापन दिया? देखिए, भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया है, माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है इनका। सरकारी सेवाओं में निजीकरण को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है, माननीय राष्ट्रपति महोदय तक इनकी ज्ञापन पहुँचा दिया है। क्षेत्रों में भी यही हाल है, कहीं आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति तो कहीं संविदा के आधार पर नियुक्ति है। यह खुले तौर पर सरकारी के खिलाफ युवा में गुस्सा है, आक्रोश है। मेहनत मजदूरी करके अपनी संतानों को आशा का जीवन जी रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि साल भर में करीब 42,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आपदा के दौर में किसान की मदद करने के बजाय सरकार द्वारा किसान विरोधी विधेयकों को बगैर किसी चर्चा के पास किया जाना सत्ता के रंगकुस्ता का प्रमाण है। किसानों के साथ ही साथ आए दिन छात्रों युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर